सिपाही ने अपनी पत्नी व बच्चों पर किया जानलेवा हमला, पत्नी की मौत, 3 गंभीर। मामला गाजीपुर जिले के दिलदाल नगर थाना क्षेत्र स्थित उसिया गांव का है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक सिपाही ने अपनी पत्नी और 7 बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसकी पत्नी की मौत हो गई जबकि 3 बच्चे घायल हो गए। बच्चों को गंभीर हालत में वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में रिफर किया गया है। बाद में सिपाही ने खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी देते हुए एसपी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि सिपाही मुंशी यादव पहले प्रयागराज में तैनात था, फिर उसका ट्रांसफर फतेहपुर हो गया। मुंशी यादव पिछले कई माह से अनुपस्थित चल रहा था और गांव पर ही रह रहा था। उसको चर्म रोग की बीमारी थी, जिसकी वजह से वे अवसाद में रहता था और संभवतः उसने इसी अवसाद में अपनी पत्नी और बच्चों पर हमला किया होगा। उसिया गांव निवासी 45 वर्षीय मुंशी सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय रामरस सिंह यादव उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जनपद फतेहपुर के हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था और चर्म रोग से पीड़ित होने के कारण अवसाद में था। शनिवार तड़के लगभग 3:30 पर मुंशी यादव ने अपनी पत्नी रीना देवी 40 और पुत्री नेहा यादव 17 वर्ष, वर्षा यादव 10 और सुधा यादव 5, पुत्रगण श्याम सुंदर उर्फ सागर 8 वर्ष, कृष्णा यादव उम्र 2.5 वर्ष को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद उसने खुद गांव के पास रेलवे लाइन पर पहुंचकर ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जान दे दी। जिला अस्पताल गाजीपुर में इलाज के दौरान उसकी पत्नी रीना देवी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 बच्चों को इलाज के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रिफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की छानबीन में लगी हुई है। आइए देखते हैं PPA24 न्यूज से राहुल पटेल की ये खास रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के दिलदार नगर थाना अंतर्गत उसिया गांव में मुंशी यादव, जो हेड कांस्टेबल के पद पर जनपद फतेहपुर में इलाहाबाद से स्थानांतरित होकर आए थे, तैनात थे, ये जनवरी में यहाँ पे छुट्टी आए थे, तब से एबसेंट चल रहे थे अपने घर। थाना दिलदार नगर के उसिया गांव के निवासी थे और इनको चर्म रोग था। चर्म रोग के कारण ये थोड़ा अवसाद में रहते थे। आज रात्रि ये अपने बच्चों के साथ छत पे सोए थे तो कहीं से गड़ासा लेकर के आए थे। इनकी 5 लड़कियां और 2 बच्चे थे और पत्नी थी और 4 भाई हैं, अगल बगल रहते थे। रात्रि 3:30 बजे के आसपास इन्होंने गड़ासे से अपने पति, पत्नी और बच्चों पर हमला कर दिया मारने के उद्देश्य से, जिसमें पत्नी और इनके 5 बच्चे घायल हुए, 2 लड़का और 3 लड़कियां। पत्नी की मृत्यु जनपद गाजीपुर के जिला अस्पताल में पहुंचने के बाद इलाज के दौरान हो गई और 3 बच्चे, 2 लड़का और 1 लड़की, जिसमें 2 लड़के थोड़ा गंभीर हैं, इनको ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर किया गया है। 1 बच्ची को और हल्का सा लगा था तो वो स्वस्थ है। बाद में इन्होंने पता चला कि बाद में इन्होंने वहीं गांव में ही ये घटना कारित करने के बाद जब परिजन ऊपर छत पर आए और उन्होंने 112 और 108 एम्बुलेंस बुला करके घायलों के लिए कार्रवाई शुरू की, तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और जो घायल थे उनको अस्पताल लेकर के भेजा गया। थोड़ी देर बाद सवेरे पता चला कि गांव में ही बाहर जो रेलवे ट्रैक है वहां पे मुंशी यादव ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। इस संपूर्ण प्रकरण में मुंशी लाल और उनकी पत्नी जो मृतक हैं, उनका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और बच्चों को ट्रॉमा सेंटर अच्छे से इलाज कराया जा रहा है तथा इस प्रकरण में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।